जयश्री माता जी, थैंक यू ऑल ऑफ यू। कैसा लगा आपको लेफ्ट राइट क्लियरेंस फुटसो के बाद फर्क आया? फुटसो के बाद डिड यू पीपल फील द डिफरेंस आफ्टर फुटसो? यस भैया, यस भैया, यस भैया। Awesome, Baya Baya, because the right side can see the Saptava, right channel, Ida Nadi, sorry, Pingala Nadi, getting cool, very nice, very nice. कैंडल से लेकर के फूड सूखता नहीं तो कभी कभी नींद आने लगती है कैंडल करते समय। वेरी गुड, वेरी गुड। वही हाँ, लेफ्ट का थोड़ा सब कुछ मालूम होना चाहिए हमको, ये इसलिए वो प्रोसेस बिना कैंडल का ट्राई किया आज। ये अच्छा, सब लोग को उतना कैंडल की जरूरत नहीं है जी भैया, हफ्ते में एक बार कर लिया बहुत है, कभी कभी नॉर्मल है तो हफ्ते में एक बार कर लिया काफी है। ठीक है, और बाकी लोग बोलिए, हाउ वाज योर फुटसो, कैसा लगा फुटसो के बाद? लॉट ऑफ पीस टुडे। हां, लॉट ऑफ पीस, लॉट ऑफ पीस। नाउ सिंस वी आर नॉट कंटिन्यू टू दिस पॉइंट ऑफ ड्रिंक थ्री टाइम्स फुटसो, राइट, कंटीन्यूअसली, बिकॉज़ देयर इज नो कैलोरी दैट इज देयर, राइट। राम भैया, जय श्री माता जी। हां जी, सेकंड भैया बात तो सुन लीजिए। राम भैया बोलिए भैया। हाँ, जय श्री माता जी। सेकंड फूड शॉक के बाद पांचों उंगलियों में ठंडक आई है। हेलो, हाँ सुन रहा हूँ भैया। हाँ, और लेकिन मेरा जो लेफ्ट सबस्टान में है वो काफी हैवी रहता है, भारी रहता है, उसमें पेन रहती है। और आपने तीन कैंडल कर रहे हो रोज? मैं आज आपने कराई नहीं है ना आज? आप भैया कलेक्टिव में, आपको कलेक्टिव में ही डिपेंड नहीं रहना, आपको खुद करना पड़ेगा, ये तो सिखा रहे हैं ना आपको कैसा निकालना। थ्री कैंडल करते समय अथर्वशीर्ष सब ले सकते हैं? मत लीजिए, आप मत लीजिए, आप मत लीजिए, है ना, ऐसा बैठे रहिए, पहले शांत हो जाइए, क्योंकि गड़गड़ 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 भाग रहा है ना अंदर, वो भागना हो जाना चाहिए, फिर बाद में मंत्र लेना चाहिए। ओके ओके, है ना, वो पहला वो काम शांत शांत। थ्री कंडर ट्रीटमेंट आधा घंटा कर ले जब तक ठंडक आए, फिर बाद में फुटसो कर लीजिए। अभी दो फुटसो कर रहा हूँ ना, शाम को कर लेता हूँ। अभी जैसे देखिए, हम कैंडलिंग कर रहे हैं ताकि लेफ्ट में ठंडक आए, फुटसो कर रहे हैं ताकि राइट में ठंडक आए। अगर लेफ्ट में कैंडलिंग करने का राइट में, राइट में ठंडक आती है भैया, लेफ्ट में सबस्टान में प्रॉब्लम रहती है बस। ठीक है, ओके, सही है, ओके, बोलिए बाकी लोग। जय श्री माता जी। भैया सेकंड फुट सोक में सेंटर मूलाधार बहुत ही कोल्ड हुआ था और वाइब्रेट कर रहा था। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। जय श्री माता जी। ब्रदर, माय बोथ हैंड पाम, आई हैव अ वेरी गुड वाइब्रेशंस, बट एट माय सहस्रारा आई डोंट फील दैट मच वाइब्रेशन। And you don't feel Sahasrara on the left hand or right hand? Both hand I have. Okay, both hand you do not feel. And Didi, Didi, you know how to open the Brahmarandra? You practiced it any time in the collective here? In Virat, did you practice? I'm just joining, I think, 1 week class. Okay, okay. So there is a video there that is there in the YouTube channel, Virat Daily Meditation, to widen Sushumna and open Brahmarandra. Okay. Yeah, just follow that, Didi. There are two important speeches of Srimataji which we follow, two minute speeches. Yeah. Okay. 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 Yes. Okay. Srimataji bhaiya. Yes, ma Didi. हाँ, बहुत अच्छा लगा, स्टार्टिंग से ही दोनों हाथ में सहस्त्रार्थ और ब्रह्मरंध्र भी खुला था और आज बहुत अच्छे से क्लींजिंग हुआ। थैंक यू भैया, वेरी गुड दीदी। ओके,
जय श्री माता जी. राम भैया, आज इंटरेस्टिंग हुआ जो बंधन दे रहे थे लिवर पे. हाँ हाँ. तो देयर वाज समथिंग दैट वाज गोइंग आउट एट द लेफ्ट, आई मीन द राइट आदन्या. सो आई फेल्ट सम स्लाइट फॉर फ्यू मोमेंट्स प्रेशर एंड देन इट गॉट रिलीज. सो द मूवमेंट ऑफ योर आवर हैंड्स ऑन लिवर सीम्स टू बी रियली गिविंग द वाइब्रेटरी पुश एंड थिंग्स टू बी टेकन आउट. Very nice to know, Didi. I certainly know that it creates a lot of alertness and our attention goes inside. And in the process, now that I'm hearing from you, it's clearing out the right side, you know, whatever is stuck there. Yes, yeah. Taking care very wonderfully. Thank you. Yeah. Thank you, Didi. Jashi Mataji. Jashi Mataji. My husband, he's 73. Yeah. Inko... 20 में एक हार्ट अटैक भी आया था. तो उस समय ही इज अ सैज जोगी. उस समय सैज ट्रीटमेंट प्लस अदर ट्रीटमेंट्स भी चली थी. ही इज परफेक्टली ऑल राइट. पर अभी सर्दी के कारण दिल्ली में बहुत ठंड है तो ये कई बार स्किप कर जाते हैं फूड सोक. वन टाइम करते हैं, टू टाइम से नहीं करते हैं, शाम को नहीं करते हैं. शुरू में किया था कुछ दिन और एक महीना से. फिर अभी इनको क्या हुआ, राइट नी और टोज में पेन होता है बहुत खिंचाव के साथ. अभी आज दोनों कुर्सों किया तो फिर से ये चीज हुआ है. तो मैंने बोला साथ साथ क्लियर करते रहिए घुटनों में. ये इनके लिए स्पेशल कुछ है क्या? हाँ दीदी, फुट सॉक में ना, थर्ड फुट सॉक में अगर 108 नेम्स ऑफ आदिगुरु दत्तात्रेय लिया तो घुटनों का दर्द कम हो सकता है दीदी. बट एक बार नहीं, आई मीन दिस इज लाइक लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम है तो थोड़ा यू नो 3 महीना करना पड़ेगा. लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम नहीं है, ये अभी हुआ है अटैक के बाद 2 इयर्स से भी नहीं, अभी हफ्ता 10 दिन से. ओके. सो या 108 नाम आदिगुरु दत्तात्रेय ऑन द भवसागर और ये लेके पानी में डाल देना है. थर्ड फुट सोक करना है, जरूरी है. राइट. फुट सोक से निकाल दीजिए. और यूजुअली हाँ ये हम लेफ्ट साइड का प्रॉब्लम रहता है, बट द लेफ्ट साइड का प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ ओवर यूज ऑफ राइट साइड भी हो सकता है. तो उसको ईगो हमने किया था ना, लेफ्ट हैंड ईगो पे रख के निकाल दिया था. वो भी अच्छा है. अच्छा, कैंडलिंग करेंगे क्या ये रेगुलर? कैंडलिंग उनको कर सकते हैं अगर लेफ्ट में नहीं आ रहा. तो लेफ्ट में वाइब्रेशन नहीं आ रहे उनके? आ रहा है वाइब्रेशन, हाथ में खूब वाइब्रेशन आ रहा है. हाँ बस, तो फिर कैंडलिंग की जरूरत नहीं है ना. तो लेफ्ट क्लियर कर, नॉर्मली धरती माँ पे रख के क्लियर कर सकते हैं. राम भाई एक बात बोलूं? राम भैया आप. हाँ बोलिए दीदी. बात हुई थी ना वो गिविंग वाइब्रेशंस टू स्काई, आई थिंक ऑल द स्टक वाइब्रेशंस विल गेट रिलीज्ड आउट एंड Correct. Very good point. Yes. Giving vibrations to the sky is a very good way of letting go of all the stuck vibrations. And usse bahut dard nikal jata hai. Correct. Ram bhaiya. Yeah. Ye mere husband ko BP bahut zyada hai. High 100 to 200 tak hai. Okay. So, usko zar kya karna chahiye? Shrimati ji ne bola left to right 108 naam 108 बार लेफ्ट टू राइट डालना है और 3 फुट सोक निकल जाएगा. लेफ्ट टू राइट क्या करना है? 108 टाइम्स डालना है. 108 टाइम्स लेफ्ट से लेके राइट में डालना है. डालना है और 3 फुट सोक. कौन सी फुट सोक? जब तक राइट में ठंडा है. राइट में ठंडा आया इसका मतलब है बीपी कम हो रहा है. ठीक है भैया. एक चीज पूछनी थी, ये कैसे पता चलेगा कि लिथार्जिक लिवर है? लिथार्जिक लिवर, अगर पहले तो हाथ रखेंगे अगर गर्म है यूजुअली लिथार्जिक लिवर है. गर्म है तो एक्टिव लिवर है. अंजलि दीदी आप बोल सकते हो लिथार्जिक लिवर कैसे पता चलता है? अंजलि दीदी इज देयर? लिथार्जिक लिवर इज मोस्टली बीइंग सीन लाइक आइदर द लेफ्ट स्वादिष्ठान इज आल्सो बीइंग कॉट मेनी अ टाइम्स. That's what okay. I have been looking into. And also, these people are very prone for allergic conditions. So they are more of physically being seen. Yeah. Or I just want to...
राम भैया जो था आप बता रहे थे ना कि लिथार्जिक लेवल द लेफ्ट साइड इज आल्सो बीइंग लिथार्जिक करेक्ट करेक्ट सो टुगेदर इट गोज इन प्रोबेबली राइट ओके लिथार्जिक का मतलब ये है कि वी आर वेरी लेजी एंड पूरा नॉर्मली लिथार्जिक लिवर होता है तो पूरा बॉडी में ही लिथार्जी रहता है बात करते हैं यानी मैं काम बोलूंगा मैं खुद काम नहीं करूंगा सोचते रहने हाँ सोचते रहते हैं पूरा काम सोचते हैं मगर काम करते नहीं है इच्छा रखते हैं मगर क्रिया नहीं करते हैं है ना तो इम्बैलेंस आ जाता है वो यूजुअल इम्बैलेंस लिथार्जिक रहता है और उनको हीमोग्लोबिन कम हो सकता है उनका लिथार्जिक हार्ट हो सकता है लिथार्जिक डाइजेशन हो सकता है वेरी क्लियरली पता चलता है और इवन एलर्जी अलर्टनेस भी कम हो जाता है अलर्टनेस भी कम होता है और उनको जब हाथ लिवर पे हाथ रखते तो गर्म नहीं होता नहीं होता हाँ नहीं होता बट आप बंधन दोगे तो आपको पता चलेगा कि लेफ्ट से ठंडक आ रही है ब्रेन में बहुत लाइट लग रहा है ऐसा पता चलता है तो तब पता चल गया कि हाँ हमको बंधन देना पड़ेगा लिवर पे ताकि वो अलर्टनेस आ जाए वापस जी 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 भैया थैंक यू जय माता जी ठीक है चलिए थैंक यू ऑल कल मिलते हैं क्लियरेंस के लिए जय श्री माता जी जय श्री माता जय श्री माता जी